गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसके अंदर जो अब तक का, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से लेकर के आज 27 दिसंबर 2019 तक का सबसे बड़ा अपडेट जो कि आया है 26 दिसंबर 2019 को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक भी सेकंड अगर आप इस वीडियो का मिस कर जाते हैं, आपका लाखों का नुकसान जो है वो हो सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है नोटिफिकेशन नंबर 75/2019। ये नोटिफिकेशन आया है 26 दिसंबर को। इसके अंदर एक सब रूल इंसर्ट किया गया है सीजीएसटी रूल्स के अंदर, रूल 86 कैपिटल ए। और इससे पहले जो इसका पॉइंट नंबर 2 है, ये बात कर रहा है सीजीएसटी रूल्स के अंदर जो हमारा रूल 36 सब रूल 4, जिसमें 20% की कैपिंग की गई थी। अगर कोई इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है उसके बदले अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10% तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। और ये जो चेंज है ये 1 जनवरी 2020 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 10% वाला है वो तो लागू हो चुका है 1 जनवरी 2020 से। और ये 86A जो नया रूल आया है, कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये किस चीज की बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट पड़ा है उसके अंदर कंडीशंस अब डाल दी गई है। क्या कंडीशंस है वो एक बार देखते हैं। द कमिश्नर और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर बाय हिम इन दिस बिहाफ, या तो कमिश्नर या फिर कोई ऑफिसर जिसको कमिश्नर ने ऑथराइज किया है, और उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे नहीं हो सकता। मतलब कोई भी सीटीओ आपका ये काम नहीं करेगा, एसी एंड अबव जो है ये चीजें कर सकते हैं। हैविंग रीजंस टू बिलीव दैट द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन fraudulently availed or is ineligible। मतलब अगर उनको बिलीव हो गया, मतलब कमिश्नर को अगर ये बिलीव हो जाता है कि जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो फ्रॉड्यूलेंट वे में है, या फिर वो किसी भी तरीके से ineligible है, क्योंकि द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन availed ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 36। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है वो किस वजह से किया है? क्योंकि आपके पास ऐसा टैक्स इनवॉइस पड़ा है, ऐसा डेबिट नोट पड़ा है जिसको कि इशू किया गया है, इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड और विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कहने का मतलब यहां पर यह निकल के आ रहा है कि अगर आप कोई परचेज का इनवॉइस लेते हैं, जो आपका सप्लायर है अगर वो नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब उसने इनवॉइस तो इशू कर दिया लेकिन उसका जीएसटी नंबर पहले से ही कैंसिल हो चुका है, या फिर जो एड्रेस वो दे रखा है अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में या जो जीएसटी इनवॉइस के ऊपर वो एक्चुअली में आपका जो है प्रिवेल ही नहीं करता है, वहां पर कोई बिजनेस ही नहीं है। बेसिकली फेक इनवॉइसेस को खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार जो है अब गवर्नमेंट ने लगाया है 86A के तहत। तो यहां पर वैसे क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स जिसका इनवॉइसेस इस कंडीशन में इशू किया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है इशूअर वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो है ही नहीं, फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर उसने गलत तरीके से इनवॉइस जो है इशू कर दिया गया है, और विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या फिर आपने ऐसे इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है जिसका एक्चुअल में ना तो गुड्स रिसीव हुआ है ना सर्विस रिसीव हुआ है। दूसरा क्या है, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर रूल 36 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई द टैक्स चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट। या फिर आपने ऐसे किसी इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है जिसके ऊपर आपके सप्लायर ने उस पर्टिकुलर इनवॉइस का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करा, दैट मींस उन्होंने अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल नहीं करी है। अब यहां पर आप देखिए, आपको ये पता होना चाहिए किसी भी परचेज इनवॉइस को लेने से पहले कि उस पर्टिकुलर आदमी ने अपना जीएसटीआर 3B जो है
पूरा का पूरा अप टू डेट फाइल कर रखा हो, उसके अंदर जो टैक्स पेमेंट है वो भी उसने कर रखा है। अगर वो 3B फाइल नहीं करेगा तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है खतरे में आ जाएगा रूल 86A के अंदर। तीसरा जो पॉइंट यहां बताया गया, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लेम्ड फॉर। मतलब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस दिया गया है वहां पे हकीकत में कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है, और उसी प्लेस से अगर कोई इनवॉइस इशू होता है और उस इनवॉइस के बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है खतरे में आ जाएगा और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको ब्लॉक किया जा सकता है। चौथा है, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट prescribed under rule 36, या फिर आपने जो invoices के ऊपर claim किया है input tax credit, उसका copy ही आपके पास नहीं है as prescribed under rule 36, तो आपका जो tax invoice है, वो as per rule 36 बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इस चीज को अब आप check कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने credit लिया हुआ है और वो invoice जो है एज पर रूल नहीं बना होगा तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है खतरे में आ जाएगा। तो ये चार पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कमिश्नर ये डिसीजन ले सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या करना है। मे फॉर द reasons टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग नॉट अलाउ द डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 49 और फॉर द क्लेम ऑफ एनी रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। तो अगर कमिश्नर को इस चार कंडीशन में कोई भी कंडीशन ऐसी लगती है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड वे में या फिर इनएलिजिबल आईटीसी को आपने क्लेम किया है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उतने अमाउंट को डेबिट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपके क्रेडिट लेजर में कोई अमाउंट शो होगा उसे ब्लॉक कर देगा। तो सर जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कुछ होता है क्या? मैं आपको बता देता हूं जीएसटी पोर्टल में कहां पे ऐसा होगा। अगर आप जाएंगे अपने पोर्टल पे सर्विसेज टैब में लेजर्स के अंदर तो आप देखेंगे यहां पे आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का एक लिंक। आप यहां पर देखेंगे तो आपको तीन चीजें दिखाई जाती हैं। क्रेडिट लेजर जब आप ओपन करेंगे आपको तीन चीजें दिखाई जाएंगी क्रेडिट लेजर किस किस हेड में बटा हुआ है। अगर आप DRC03 या फिर DRC03 को पेमेंट करते हैं तो वहां पर भी आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखाया जा रहा है, एक दिखाया जा रहा है प्रोविजनल क्रेडिट बैलेंस, एक दिखाया जा रहा है ब्लॉक्ड क्रेडिट बैलेंस। ये जो है ना थर्ड पॉइंट ब्लॉक्ड क्रेडिट बैलेंस, इस रूल 86 का यूज करते हुए डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो हैं आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को यहां से हटा करके यहां पर भेज सकते हैं। जैसे यहां पर अभी हमें दिख रहा है आईटीसी 10,000 का, अगर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हमारा जो आईटीसी है वो सही है और 86A के अंदर अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इसको ब्लॉक कर सकती है। ब्लॉक करने के लिए उसको यहां से हटा के ब्लॉक्ड क्रेडिट में डाल देना होगा अपने मॉड्यूल के अंदर। तो वही चीजें यहां बताई गई हैं कि द कमिश्नर मे फॉर द reasons टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग नॉट अलाउ द डेबिट ऑफ एन अमाउंट। जब ये अमाउंट यहां से हटके यहां पर आ जाएगा तो यहां पर जो हमारा अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो कम हो जाएगा और इसीलिए उसको फिर हम लोग यूटिलाइज जो है वो नहीं कर पाएंगे, डेबिट करने के लिए वो परमिसेबल नहीं रहेगा उतने अमाउंट का। द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम अंडर सब रूल मे अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द कंडीशंस फॉर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज अबव नो लॉन्गर एग्जिस्ट अलाउ द सच डेबिट। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट ले जा करके कमिश्नर के पास ये बता दिया कि जिस इनवॉइसेस पे क्रेडिट क्लेम किया गया है और उसे अलाउ नहीं किया जा रहा, डेबिट करने के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो सारी चीजें ठीक है। अगर वो समझ जाते हैं तो आपका जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसको खोल दिया जाएगा, सारा का सारा क्रेडिट आपको दोबारा से रिक्रेडिट कर दिया जाएगा, आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाए हर चीज
तो यहाँ पे टैक्स पेयर्स तो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर एक साल का टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया गया है सारी चीजों को देखते हुए कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया जा रहा है उसका एक टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड के बाद वो चीजें अपने आप जो है क्रेडिट में चली जाएंगी, ऐसा प्रतीत होता है इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है यहाँ लिखा गया है सच रेस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रेस्ट्रिक्शन। जिस दिन ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, जिस दिन क्रेडिट को ब्लॉक किया जाएगा, उसके एक साल के बाद जो आपका रेस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगा और आपका आईटीसी जो है यूटिलाइज करने के लिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, हम लोग ये प्रूफ नहीं कर पाए एक साल के अंदर कि ये अमाउंट जो है हमारा एलिजिबल क्रेडिट है, तो क्या एक साल का पीरियड खत्म होने के बाद वो फिर से हमें मिल जाएगा, या फिर डिपार्टमेंट अगर उस चीज को ब्लॉक कर देता है तो एक साल के बाद उस चीज को फिर हम लोग क्रेडिट के अंदर नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज को लेकर के अब क्लैरिफिकेशन जो है वो जल्दी आने वाली है सीबीआईसी की तरफ से कि एक साल के बाद एक्चुअली क्या पोजीशन रहेगी, क्या आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं, क्या डिपार्टमेंट आपको दोबारा अलाउ करेगा या नहीं। अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो उससे पहले ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो चीजें सब रूल 2 के अंदर कवर है। और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो क्या एक साल के बाद ऑटोमेटिकली सारा का सारा क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा, ये सिर्फ एक साल के लिए आपके क्रेडिट को रोक करके रखेंगे ये चीजें चेक करने के लिए कि आपका आईटीसी जो है वो सही है या गलत है। तो ये चीजें तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन प्राइमा फेसी ये है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अब खतरे में है, इसीलिए बहुत सावधानी से आपको ये काम करना है कि जीएसटी क्रेडिट लेने से पहले उस बंदे की पूरी जांच पड़ताल कर लें कि जहां से आप माल परचेज कर रहे हैं वो बंदा सही है, कंप्लायंट है, कंप्लायंस पूरी तरीके से कर रहा है। कंप्लायंस इज द मेन की फैक्टर इन जीएसटी फ्रॉम 27th December 2019। कंप्लायंस करने के लिए आप क्लियर टैक्स का जो जीएसटी सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपनी 3B GSTR1 2A रिकंसिलेशन, सामने वाले पार्टी का फाइलिंग स्टेटस, सारी चीजों की जानकारी जो है काफी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो चेंज आया है उसका क्या इंपैक्ट अब पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।